बड़ा हादसा। अवैध पटाखा फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट। यूपी के शामली जिले के कैराना में पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस धमाके में 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि रजवाहे के पास स्थित फैक्ट्री में शाम करीब 4:45 बजे विस्फोट हुआ। ये धमाका इतनी तेज था कि वहाँ मौजूद बड़ी संख्या में भी लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर ही पहुंच गए। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम किया गया। धमाके की आवाज सुनने वाले लोगों ने बताया कि इसकी आवाज इतनी तेज थी कि काफी दूर तक सुनाई दी। बताया जा रहा है कि इस अवैध फैक्ट्री में कई लोग काम करते थे, लेकिन आज शुक्रवार होने की वजह से कई लोग काम पर नहीं आए थे। और जब ये धमाका हुआ, इस घटना के तुरंत बाद मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंच गए। डीएम ने इस घटना के बारे में क्या जानकारी दी, आप खुद ही सुनिए। आज अभी यहाँ सूचना मिली है एक विस्फोट की, जिसके संबंध में मैं और एसपी साहब यहाँ पहुँचे हैं, फायर वाले पहुँचे हैं, एसडीएम लोग हैं, एम्बुलेंसेस पहुँच गई हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और उसी में ये विस्फोट हो पाया है। एम्बुलेंसेज हैं, जितने घायल हैं उन लोगों को निकाल के हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इंजर्ड कितने लोग हैं? अभी मेरे पास पूरी सूचना नहीं है, 3 लोग इंजर्ड हुए थे, उनको अभी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। क्या अभी कुछ और लोग भी हो सकते हैं? वो दिखवा रहे हैं, हम लोगों ने जेसीबी लगाई है, मलबा उठाया जा रहा है, हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा मैम, जानकारी हुई कि काफी दिनों से फैक्ट्री चल रही थी, तो इस मामले में क्या कोई शिकायत आई थी? अभी प्रिलिमिनरी तौर पे कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी हम लोगों को सूचना मिली है, अब लोग थोड़ा सा पता कर रहे हैं। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट के बाद किस तरह से भर भरा कर पूरी फैक्ट्री की बिल्डिंग गिर चुकी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है, क्योंकि अवैध फैक्ट्री में बड़े स्तर पर पटाखे बनाने का काम चल रहा था। और ये कोई पहला मौका नहीं है, हर साल यूपी के कई शहरों में पटाखा फैक्ट्री में ऐसी घटनाएं होती हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते और नतीजा लोगों की जान चली जाती है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।